नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज बसंत पंचमी के दिन बहुत सारा पकवान यहाँ पे बन रहा है घर पे, और मैं आज बना रहा हूँ स्पेशल पकौड़ी। और पकौड़े बना रहा हूँ आलू और जो है प्याज के। और देखिए मैंने क्या क्या मिक्सअप यहाँ पे तैयार किया है। मैंने बेसन है, उसमें मैंने मिर्ची डाली है, अभी देखा था आपने, मैंने कूटी हुई मिर्ची है। और उसमें मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला हुआ है, थोड़ा सा मैंने उसमें अजवाइन डाला हुआ है। तो इस तरीके से नमक मिर्च मसाला सब इसमें मिक्स कर दिया है। और अब इसको मैसर से मैं इसको मैश कर ले रहा हूँ, इसको मिक्स कर ले रहा हूँ। और अब देखिएगा किस तरीके से ये पकौड़े बनते हैं, बहुत टेस्टी ये रहता है। इसमें मैं ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको पानी के घोल से इसको थोड़ा पतला कर लिया है। थोड़ा सा और इसमें पानी मुझे ऐड करना पड़ेगा बाद में। और इसमें देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, गोभी जो है हमारी फूल गोभी, उसको मैं क्रैश कर रहा हूँ। अभी क्रैश करने से क्या होगा कि जो भी पूरा घोल है उसमें ये बहुत महीन महीन पूरा मिक्स हो जाएगा। और अगर मैं केवल आलू आलू के पकौड़े भी बना रहा हूँ तो उसमें भी गोभी का जो फ्लेवर आएगा बाद में, और जो जीभ पे स्वाद लगता है वो बहुत ही मुझे पसंद आता है, इसलिए मैं इसको क्रैश करके डालता हूँ। तो आप भी अगर कभी बनाते हो तो इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए पूरा मैंने क्रैश कर दिया है, इसको अब मैं मिक्स कर लूँगा इसमें। तो ये पूरा इसमें मिक्स हो जाता है। आप किसी भी चीज़ के, जैसे मैं अगर प्याज का बना रहा हूँ तो वो प्याज में भी छोटे छोटे गोभी के जो फ्लेवर लगते हैं मुँह पे, तो बहुत ही टेस्टी इसका आता है। तो बहुत ही अच्छा बनता है ये। और भी आज जैसे बसंत पंचमी है, तो हम जब छोटे थे गांव में, तो वहाँ पर एक पीला रुमाल हम पहनते थे, और बसंत पंचमी के दिन स्कूल में जाते थे तो एक पिन से रुमाल अपना टांग के जाया करते थे। और वहाँ पर फिर सरस्वती माँ की पूजा होती थी स्कूल में, तो वो दिन भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे याद आते हैं वो। तो देखिए मैंने आलू ये चॉप कर लिया है, और प्याज भी थोड़ा सा मैंने ले लिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड करके इसको थोड़ा घोल को मैंने थोड़ा पतला बना लिया है, ताकि इसमें आराम से आलू जो है वो डीप हो पाए। और अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो आप देखिए कसूरी मेथी के जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हो। और ये देखिए अब मैं आलू के जो पीस हैं उनको मैंने घोल में डाल के, ये देखिए इसमें सब कुछ लग चुका है। यानी कि जो गोभी था, गोभी का जो बहुत बहुत पतले पतले मैंने उनको किया हुआ था वो भी लग चुका है। और उसमें कसूरी मेथी हुआ, ये देखिए मैं उस तरीके दिखा रहा हूँ आपको, ये इसको मैं पूरा डुबा ले रहा हूँ। और इसमें काफ़ी गाढ़ा घोल उसको हो चुका है ये, और बहुत ही अच्छे लगते हैं पकौड़े मेरे को। और बरसात का जो जब भी मौसम आता है, मैं ऑफिस से आने के बाद भी कई बार पकौड़े बनाते रहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये। और मुझे आलस भी नहीं आता पकौड़े बनाने में, कम से कम क्योंकि कभी कैसे भी कंडीशन हो तो जल्दी से मैं ये सब चीज़ काट कूट के पकौड़े बना लेता हूँ। और इनको देखिए ये इतने अच्छे हो चुके हैं, देखिए फूल रहे हैं ये। ये देखिए जैसे पूरी फूलती हैं उस तरीके से। तो पूरी भी बनाई है हमने घर पे, तो पूरी की वीडियो तो मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ, अभी केवल पकौड़े का ही मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। और ये देखिए बहुत ही अच्छा। तो बसंत पंचमी के दिन जो है कहते हैं गांव में, जब हम गांव में थे, तो आज से होली की शुरुआत भी हो जाती है। तो होली जहाँ पर गाई जाती है तो वो होली गाने लग जाते हैं लोग गांव में। और अब एक अलग ही माहौल जो है वो बनने लग जाता है। बसंत ऋतु आ चुकी है और पेड़ पौधे में फूल कलियां पत्ते काफ़ी चीज़ें आने लग गए हैं, हरियाली फिर से हो चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये पकोड़े। ये देखिए टेक्सचर देखिए आप, कितना गजब का लग रहा है। मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ जैसे मैं बनाता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। ये देखिए बाकी जो घोल बच चुका है उसमें मैंने प्याज को मिक्स कर लिया है, जो भी मैंने काट रखा था। ये इस तरीके से इसमें सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है। मसाला पहले ही ऐड किया था, मतलब थोड़ा मसाला क्या, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा नमक, थोड़ा मिर्च। मिर्च तो मैंने इसमें जो है वो हरी मिर्च जो साबुत होती हैं उनके छोटे छोटे पीस करके उनको क्रश कर लिया था। तो देखिए ये थोड़ा सा और बचे थे आलू, उनको मैंने बना लिया है। अब मैं प्याज इसमें डाल रहा हूँ प्याज के पकौड़े बनाने के लिए। ये देखिए एक बार में जितना आप डाल सकते हो कढ़ाई में उतना मैंने डाल लिया है यहाँ पे, और ये भी काफ़ी टेस्ट लगते हैं। तो
बहुत ही आनंद आता है। होली के दिन तो खासकर पकोड़े, उस दिन तो इतने पकोड़े खा लेते हैं कि पेट आधा पकोड़े से ही भर जाता है। बस बन चुके हैं मेरे पकोड़े और थोड़ा सा अभी बचा है, उसको भी मैं एक बार और डाल के वो पकोड़े भी बना लूँगा। और ये देखिए इनका कलर भी बहुत अच्छा हो चुका है, ये थोड़ा सा बचे हुए थे दो चार, इनको भी मैं इसमें डाल लेता हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरे पकोड़े की वीडियो, तो ये भी आप बताना कि पकोड़े मेरे कैसे लगे आपको। और आपका अगर मन हो चुका है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आप भी बना लीजिएगा। हम तो आज खाएंगे, और भी कई चीज़ें बनी हैं क्योंकि आज त्यौहार है, तो मुझे लगा कि एक छोटी सी वीडियो तो डाल देनी चाहिए इन चीज़ों की, तो मैंने आज पकौड़ा चुना डालने के लिए। तो ये देखिए, ये पारस को भी काफ़ी पसंद आते हैं पकौड़े, और अभी एक दो बार आ चुके, वो ले भी जा चुका है खाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।